आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे परासरण एवं परासरण दाब। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि परासरण यानी पराई शरण में चले जाना, दूसरे की शरण में चले जाना, तो इसका सीधे सीधा अगर परिभाषा लिखी जाए तो हमको ये समझ में आएगा कि जो विलायक हैं, सॉल्वेंट हैं, उसके कण एक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, उसी को परासरण कहते हैं। या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि परा का मतलब पार करके दूसरे की शरण में चले जाना। तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसको पार करके दूसरे की शरण में जा रहे हैं, तो इसको परासरण कहेंगे। और उनके द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। अब इसको साधारण भाषा में समझ लेते हैं, बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो कह रहा है कि हम प्रकृति अथवा घर में कई परिघटनाओं को देखते हैं। उदाहरणार्थ, कच्चे आमों का अचार डालने के लिए नमकीन जल में भिगोने पर वे संकुचित हो जाते हैं। तो जब हम आम का अचार डालते हैं तो उसको नमक ज़्यादा मिला करके जो पानी बनाया जाता है उसमें डाल देते हैं, तो जो आम है वो सिकुड़ जाते हैं। संकुचित का मतलब सिकुड़ जाते हैं। और उनके सिकुड़ने का कारण क्या है कि उनके अंदर का पानी जो है बाहर निकल आता है, इसलिए सिकुड़ जाते हैं। मुरझाए फूल ताजे जल में रखने पर ताजे हो जाते हैं। अगर मुरझाए फूलों को या मुरझाई धनिया हो उसको पानी में डाल दो तो बढ़िया हरी भरी हो जाती है, उसी तरह तो कह रहा है ताजे हो जाते हैं। तो मुरझाए फूल ताजे हो जाते हैं, इसका मतलब कि बाहर का पानी मुरझाए फूलों के अंदर चला जा रहा है और अंदर जाने की वजह से उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त हो गई तो जो मुरझाहट थी फिर खत्म हो गई। नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। अब नमकीन जल में अगर हम कोशिकाओं को रख दिया जाए, सेल को रख दिया जाए जो आदमी के शरीर में पाई जाती हैं, तो सिकुड़ जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? और जैसे हम लोग देखते हैं कि जो किशमिश होती है इसको पानी में रात भर भिगो दो तो सुबह फूल जाती है, तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमको देखने को मिलती हैं, तो सिकुड़ जाती हैं आदि घटनाएं हैं। तो इन सभी घटनाओं में एक बात जो समान दिखाई देती है वो ये है कि ये सभी पदार्थ झिल्लियों से परिबद्ध हैं। जिनके भी नाम लिए, जैसे मुरझाए फूल, कच्चे आम और रुधिर कोशिकाएं, इन सब में झिल्ली पाई जाती है। तो वही कह रहा है कि झिल्लियों में बंद हैं। ये झिल्लियां जंतु या वनस्पति मूल की हो सकती हैं एवं यह सुअर के ब्लेडर या पार्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप में मिलती हैं अथवा सेलोफेन की तरह संश्लेषित प्रकृति की होती हैं। तो कहने का मतलब है कि झिल्लियां होती हैं, वो झिल्लियां प्राकृतिक हो सकती हैं, जंतुओं में हो सकती हैं, वनस्पति में हो सकती हैं, या फिर सुअर के मूत्राशय या ब्लेडर जिसको कह रहा है अंग्रेजी में, हिंदी में मूत्राशय कहते हैं, या पार्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, सेलमोन की तरह संश्लेषित यानी बनाई गई होती हैं, सिंथेटिक होती हैं। ये झिल्लियाँ सतत सीट या फिल्म प्रतीत होती हैं, तथापि इनमें अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों या रंध्रों का एक नेटवर्क होता है। जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे छेद होंगे, सब माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म, तो उन्हीं से विलायक के जो कण है वो अंदर बाहर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिना छेद के तो जा नहीं सकते। तो कुछ विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के बड़े अणुओं का गमन बाधित होता है। इस प्रकार के गुणों वाली झिल्लियां अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। तो अर्ध का मतलब आधी चीज तो पार हो सकती है, पूरी चीजें नहीं पार हो सकती हैं।
तो इसीलिए कह रहा है कि कुछ विलायक जैसे पानी है वो इनके अंदर से चला जाता है, लेकिन जो विलेय हैं जिनके अणु बड़े हैं वो इस झिल्ली को पार करके नहीं जा पाते। इसका मतलब विलायक और विलेय में से आधा जा रहा है, केवल विलेय और विलायक जोड़ के दो हो गए, तो केवल विलायक जा रहा है मतलब एक है, तो दो का आधा एक ही तो हुआ, तो इसीलिए इसका नाम अर्ध पारगम झिल्ली है, क्योंकि आधी चीजें जा रही, केवल विलायक जा रहा है और कुछ नहीं जा पा रहा। कह रहा है मान लीजिए कि केवल विलायक के अणु ही सार अर्ध पारगम झिल्ली में से निकल सकते हैं, यदि चित्र 1.9 में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली विलायक एवं विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, विलायक के प्रवाह का यह प्रक्रम परासरण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए बर्तन में हम विलयन ले लें या विलायक ले लें, इसको अभी देखते हैं। ये देखिए क्या किया है कि ये बर्तन में एक विलायक ले लिया है, विलायक ले लिया है, और ये जो है एक अलग कीप टाइप है, इसमें विलयन ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कि विलयन है इसमें और ये बाहर विलायक है, तो विलायक का मतलब है कि आप देखिए जो चीज जहां ज्यादा होगी उससे कम की ओर चलेगी, ये याद रखिए मोटी मोटी बात। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि जिसकी जहां सांद्रता ज्यादा होगी तो वो कम सांद्रता की ओर चलेगा। तो जैसे ही इसके अंदर विलयन भरा हुआ है तो ये विलयन भरा हुआ है तो इसमें विलयन की देखिए सांद्रता ज्यादा है, क्योंकि ये विलायक अकेले है, इसमें विलेय और विलायक दोनों है। लेकिन अगर देखा जाए विलयन विलायक के सापेक्ष, केवल विलायक के सापेक्ष, तो विलयन में विलायक और विलेय दोनों हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये विलायक अकेला है। इसका मतलब इसके अंदर जो विलायक है उससे इसकी सांद्रता ज्यादा है। तो जब इसकी सांद्रता ज्यादा है जो बाहर विलायक है, तो ये विलायक के अणु जो है ये अर्ध पारगम झिल्ली जो इसमें बंद की गई है ढोल की तरह, ढोल में जैसे चमड़े का वो चढ़ा दिया जाता है जिसको बजाते हैं, तो उससे पार करके विलायक के अणु इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बाहर विलायक की सांद्रता ज्यादा है। तो बाहर जब विलायक की सांद्रता ज्यादा है इसके अंदर वाले विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में ध्यान दीजिए विलयन की तो सांद्रता ज्यादा है इससे, लेकिन अगर विलायक की तुलना की जाए तो विलायक जो है सॉल्वेंट उसकी अंदर की तुलना में बाहर सांद्रता ज्यादा है, तो ज्यादा सांद्रता की वजह से विलायक के अणु इसके अंदर जाएंगे। और ये देखिए पी लिखा है यानी दाब, तो ये एच लिखा है मतलब पी इक्वल टू एच डी जी होता है, ये दाब का फार्मूला है। तो वही कहने का मतलब है कि इसके अंदर पानी चढ़ने लगेगा, मतलब ये जो विलयन है वो और ऊपर चढ़ने लगेगा, यानी इसमें दाब बढ़ने लगेगा, तो जो दाब होगा उसी को परासरण दाब बोलते हैं। तो आप देखते हैं इसको पढ़ करके और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है साम्य अवस्था प्राप्त होने तक प्रवाह सतत बना रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि साम्य अवस्था का मतलब दोनों तरफ विलेय और विलायक साम्य में हो जाए, मतलब उधर से जितना विलायक है इधर से उतना विलेय विलयन विलायक जो है आपस में एक दूसरे तरफ जाते रहे। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यस पीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अभी हमने ऊपर फिगर देखा है, अब इसको देखते हैं, इसको भी देख करके देखे, कह रहा है परासरण को रोकने के लिए परासरण दाब के तुल्य अतिरिक्त दाब विलयन पर प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विलयन भरा है, यहाँ पर विलायक भरा है, तो जाहिर सी बात है कि विलयन और विलायक भरे हुए हैं, तो ये बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली जो है बना दी गई है। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया। तो कह रहा है साम्य अवस्था प्राप्त होने तक प्रवाह सतत बना रहता है,
झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर का प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। तो अब देखिए क्या है कि ये विलायक है, ये विलयन है, तो विलायक की सांद्रता ज्यादा है विलयन में जो विलायक है उसकी तुलना में, तो विलायक ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, तो ये विलायक इधर से विलयन में जा रहा है, तो इधर से जब विलयन में जाएगा तो ये विलयन में जाएगा तो इधर दाब बढ़ेगा, तो ये कह रहा है कि इसके दाब को रोक करके जितना पहले दाब था उतना करने के लिए जितना अतिरिक्त दाब लगाया जाएगा वही परासरण दाब कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है परासरण दाब कहलाता है। तो इधर इतना दाब लगा दिया जाए कि जो विलायक के और इधर आ रहे थे तो वो आना रुक जाएं, तो जैसे ही आना रुक जाएंगे तो जो दाब हम लगाएंगे समझ लो कि वो जो है परासरण दाब है। तो विलायक के और इधर आना रुक जाएं तो जो भी दाब होगा मात्र रोक देता है, ध्यान दीजिए आना जैसे रुका तो जो भी दाब होगा उसी को परासरण दाब कहते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए कह रहा है अर्ध पारगम झिल्ली में से विलायक का तन विलयन से सांद विलयन की ओर प्रवाह परासरण के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो अर्ध पारगम झिल्ली है इससे विलायक का तन विलयन से सांद विलयन की ओर, जाहिर सी बात है, अब देखिए ध्यान दीजिए हमारी बात को कि अब अगर इस परिवेश में देखा जाए कि इधर विलयन है तो इधर विलयन है तो विलायक और विलेय दोनों है, तो जाहिर सी बात है कि ये सांद्र है और इधर केवल विलायक है तो इसकी तुलना में ये तनु है, क्योंकि इसमें केवल विलायक के अणु है विलेय के नहीं है, तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा ये तनु होगा, तो ये सांद्र है ये तनु है। तो वही कह रहा है कि विलायक का तन विलयन से सांद विलयन की ओर प्रवाह परासरण के कारण होता है। यह ऐसी बात है कि झिल्ली को पार करके ये विलायक के और दूसरे की शरण में जा रहे हैं, इसीलिए इसको परासरण कहते हैं, और इस पराई शरण में जाने से रोकने के लिए जितना दाब लगाया जाता है उसको परासरण दाब कहते हैं। सीधी सीधी भाषा। अब कह रहा है यह बिंदु ध्यान रखने योग्य है कि विलायक के अणु हमेशा विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं। कह रहा है यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि विलायक के अणु यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हमेशा विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं। जाहिर सी बात है यह निम्न सांद्रता है ये उच्च सांद्रता है, तो निम्न से उच्च की ओर जा रहे हैं। परासरण दाब का विलयन की सांद्रता पर निर्भर होना पाया गया है, तो परासरण दाब जो है उसका विलयन की सांद्रता पर निर्भर होना पाया गया है, यानी विलयन की सांद्रता के आधार पर परासरण दाब को बता सकते हैं हम कि कितना लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। अभी नीचे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वायु का दाब जितना पी है इसमें भी वायु का दाब पी है, अब ये पाई अतिरिक्त दाब लगाना पड़ा है विलायक के अणुओं का विलयन में जाने से रोकने के लिए, तो यही हमारा परासरण दाब होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, एक विलयन का परासरण दाब वो अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाना चाहिए। यह चित्र 1.10 जैसे देखे हैं में समझाया गया है। परासरण दाब एक अणु संख्या गुण है जो कि विलेय की अणु संख्या पर निर्भर करता है ना कि उसकी प्रकृति पर, पीछे भी अंडरलाइन कर चुके हैं यहाँ भी कर लीजिए। तन विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि परासरण दाब के लिए ताप टी व मोलरता सी के समानुपात होता है। तन विलयन के लिए समझ लीजिए, तन विलयन के लिए पाया गया, तन विलयन ध्यान देना है सांद्र विलयन के लिए नहीं, तो तन विलयन के लिए पाया गया है कि परासरण दाब दिए गए ताप एवं मोलरता
आर है देखिए मोलरता, एल नहीं है, मोलरता नहीं है, मोलरता सी के समानुपाती होता है, यानी पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा, तो पाई इक्वल टू सी आर टी होगा, यहाँ पाई परसरण दाब एवं आर गैस नियतांक है, तो पाई इक्वल टू एन टू अपान वी आर टी हो जाएगा। सी की जगह एन टू अपान वी रख दिया, कह रहा है यहाँ वी विलेय के एन टू मोलों को रखने वाले विलयन का आयतन लीटर में है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो वी रखा गया है ये एन टू मोलों को रखने वाले विलयन का आयतन लीटर में है। यदि सी इक्वल टू एन अपान वी रखा गया कुल मिला के, और एन की जगह एन टू कर दिया है क्योंकि विलेय के मोलों की बात है, तो वी यहाँ वी विलेय के एन टू मोलों को रखने वाले विलयन का आयतन लीटर में, ध्यान दीजिए विलेय। यदि एम टू मोलर द्रव्यमान का डब्ल्यू टू ग्राम विलेय विलयन में उपस्थित हो तब क्या होगा, तो मोल बराबर होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो एन टू इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान विलेय का डब्ल्यू टू और मोलर द्रव्यमान एम टू। पीछे बार बार पढ़ते चले आए तो ये हो जाएगा पाई वी इधर चला जाएगा, तो पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी बटे एम टू हो जाएगा, एन टू की जगह जब रखेंगे तो डब्ल्यू टू बटे एम टू हो जाएगा, या एम टू बराबर इधर आ जाएगा, ये दोनों नीचे चले जाएंगे, तो एम टू बराबर डब्ल्यू टू आर टी बटे पाई वी लिख सकते हैं। तो कह रहा है अतः राशियों डब्ल्यू टू टी पाई एम वी के ज्ञात होने पर विलेय का मोलर द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। तो अगर ये सब चीजें ज्ञात हो हमको तो आराम से जो है विलेय का मोलर द्रव्यमान परिकलित कर सकते हैं। अब देखिए विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक अन्य विधि परासरण दाब का मापन है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक अन्य विधि है कि परासरण दाब को नाप लिया जाए, क्योंकि पाई यहाँ है परासरण दाब, तो अगर इसको नाप लिया जाए तो भी हम लोग मोलर द्रव्यमान विलेय का ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि प्रोटीनों बहुलकों एवं अन्य बृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रचलित विधि है। तो ध्यान दीजिए कि अगर जो है बड़े अणुओं का बृहद उनका हमको निकालना है तो हमको क्या करना है, परासरण विधि से उसको निकाल लेंगे। उसमें क्या होगा, परासरण दाब निकाल लेंगे। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड का बहुलक है, बहुलक का मतलब पॉलीमर, मतलब बहुलक का मतलब बहुत सारे अणुओं की चेन जंजीर बनी हो, एवं अन्य बृहद अणुओं बहुत बड़े अणुओं उनके मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रचलित विधि। अब देखिए परासरण दाब विधि दाब मापन की अन्य विधियों से अधिक उपयोगी है, क्योंकि परासरण दाब मापन कमरे के ताप पर होता है एवं मोललता के स्थान पर विलयन की मोलरता उपयोग में ली जाती है। मोलरता में क्या होता था, किलोग्राम में लेते थे विलायक का द्रव्यमान, जबकि विलयन की मोलरता क्या होती है, लीटर में लेते हैं विलयन का आयतन। तो वही कह रहा है क्योंकि परासरण दाब मापन कमरे के ताप पर होता है एवं मोललता के स्थान पर विलयन की मोलरता ली जाती है, अन्य अणुसंघ के गुणों की तुलना में तनु विलयनों के लिए भी इसका परिमाण अधिक होता है। विलेयों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की परासरण दाब तकनीक विशेष रूप से जैव अणुओं के लिए उपयोगी है जो उच्च ताप पर सामान्यतः स्थायी नहीं होते एवं उन बहुलकों के लिए भी जिनकी विलेयता कम होती है। तो देखिए जो जैव अणु है यानी जीवित अणु है, किसी जीवित शरीर की बात हो रही है, तो अगर उसमें तापमान बढ़ा देंगे, उच्च ताप कर देंगे, तो उच्च ताप पर कोशिकाएं मर जाती हैं, तो वही कह रहा है कि सामान्यतः स्थायी नहीं होते एवं जो बहुलक हैं वो कम विलेय होते हैं, तो जिनकी कम विलेयता है उनको भी परासरण दाब मापन विधि से हम लोग विलेय की मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में परासरण दाब भी है।
अब देखिए, कह रहा है दिए गए ताप पर समान पराशरण दाब वाले दो विलयन समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर दिए गए ताप पर अगर दो विलयनों का पराशरण दाब समान है तो उनको समपराशरी विलयन कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? समपराशरी विलयन। तो समपराशरी विलयन के बारे में हम लोग समझ गए। समपराशरी को देखिए अंग्रेजी में आइसोटोनिक बोलते हैं। समपराशरी विलयन को अंग्रेजी में आइसोटोनिक बोलते हैं। अब देखिए समपराशरी जो विलयन होते हैं तो वही कह रहा है कि जब ऐसे विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए जाते हैं तो उनके मध्य पराशरण नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि जब दोनों के पराशरण दाब बराबर हैं, अब उनको झिल्ली द्वारा अर्धपारगम झिल्ली से अलग कर देंगे और दोनों तरफ भर देंगे तो जब दोनों का पराशरण दाब है तो किसी भी तरफ विलायक के अणु नहीं जाएंगे क्योंकि पराशरण दाब बराबर है। तो वही कह रहा है कि ऐसे विलयनों को जब अर्धपारगम झिल्ली से अलग किया जाता है तो पराशरण नहीं होता है, यानी ऑस्मोसिस नहीं होती। उदाहरणार्थ रुधिर कोशिकाओं में स्थिर द्रव का पराशरण दाब 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन के हिसाब से होता है। 0.9% सोडियम क्लोराइड जिसे सामान्य लवण विलयन कहते हैं के तुल्यांक होता है, अतः इसे अंतः सिरा में अंतः छेपित यानी इंजेक्ट करना सुरक्षित रहता है। ये कहने का मतलब है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें जो 0.9% NaCl का विलयन होता है द्रव्यमान बटे आयतन के हिसाब से, तो ये हमारे जो शरीर की कोशिका है उसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसके पराशरण के इक्विवेलेंट होता है, यानी समान होता है। तो इसीलिए 0.9% का विलयन अगर हमारी कोशिकाओं में डाला जाए तो हमारे लिए सुरक्षित होता है, ये कहने का मतलब, क्योंकि पराशरण दाब दोनों का बराबर है। तो वही कह रहा है कि समपराशरी विलयन जो होते हैं उनमें पराशरण नहीं होता। उदाहरण दे रहा है कि रुधिर केशिकाओं में स्थित द्रव का पराशरण दाब 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन होता है सोडियम क्लोराइड जिसे सामान्य लवण विलयन कहते हैं के तुल्यांक होता है, और इसे अंतः सिरा में यानी हमारी नसों में डालने पर में अंतःक्षेपित यानी इंजेक्ट कराने नसों में इंजेक्शन द्वारा डाल देने पर यह सुरक्षित रहता है। दूसरी ओर यदि हम कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन के हिसाब से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वे संकुचित हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक बर्तन में 0.9% से ज्यादा सांद्र विलयन ले लिया जाए और उसमें कोशिकाओं को डाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि बाहर सांद्रता ज्यादा है तो विलायक अंदर से बाहर जाने लगेंगे जिससे कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। तो वही कह रहा है कि कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के विलयन को अति पराशरी विलयन कहा जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि लवण की सांद्रता 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन से कम हो तो जल कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित होगा और वे फूल जाएंगी। ऐसे विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बाहर सांद्रता कम कर दी जाए और उसमें 0.9% सांद्रता वाली कोशिका डाल दी जाए तो बाहर सांद्रता कम है अंदर ज्यादा है तो विलायक के अणु बाहर से अंदर जाने लगेंगे। या यूं कहें कि विलायक के सापेक्ष देखा जाए तो विलायक बाहर ज्यादा सांद्र है, अकेले अकेले तुलना की जाए तो बाहर से विलायक के अणु अंदर जाने लगेंगे जिससे क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। तो वही कह रहा है कि वे फूल जाएंगी। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए यहां से लेकर के पूरा नीचे तक ये पूछा जाता है। ऐसे ही पूछ लेगा कि इतने परसेंट विलयन में इसको डाल दिया गया क्या होगा, फूलेगा कि सिकुड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बना बना करके हमसे
पूछता रहेगा। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको देखेंगे। पहले जो है ये अति पराशरी को अंग्रेजी में हाइपरटोनिक कहेंगे। देखिए पराशरण जब दाब बराबर होगा दो विलयन को, तो उनको आइसोटोनिक बोलेंगे। अगर पराशरण किसी विलयन का ज्यादा है दाब, तो हाइपरटोनिक बोलेंगे, जिसको अति पराशरी हिंदी में बोलते हैं। और अगर पराशरण दाब कम है तो उसको अल्प पराशरी बोलेंगे, अंग्रेजी में हाइपोटोनिक बोलेंगे। तो इन बातों को ध्यान दीजिए। आप देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कह रहा है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो जलीय विलयन लिया गया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा दे दी है 1.26 ग्राम। अब कह रहा है 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशरण दाब 2.57 × 10⁻³⁻³ बार पाया गया। बार हमारा दाब का मात्रक है, और इसी मात्रक में हम क्वेश्चन लगाते समय रखेंगे, पास्कल और किसी MMHg में नहीं रखेंगे, बार में ही मात्रक को रखेंगे। प्रोटीन के मोल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का। प्रोटीन देखिए यहाँ पर इतना है और जलीय विलयन इतना है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो जाहिर सी बात है कि 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो अब देखना है कि इसमें विलेय कौन है, तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, तो जो जो दिया है उसको समझ लेना है। तो प्रोटीन कम है इसकी तुलना में, तो यही विलेय है। तो देखिए पराशरण दाब पाई दे दिया है 2.57 × 10⁻³ बार, आयतन दे दिया है विलयन का वी बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.200 लीटर हो गया, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदला तो 1000 का भाग दे दिया। टी हमारे पास है 300 केल्विन। ध्यान दीजिए टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखेंगे, सेंटीग्रेड का भी मत रखना। और आर जो नियतांक है यहाँ पर बार दिया है, तो बार वाला मात्रक ही जो आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट उसको रखेंगे, तो 0.083 लीटर बार प्रति मोल प्रति केल्विन। तो इन मानों को समीकरण 1.42 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1.42 में इसको रखेंगे, तो ये देखिए समीकरण 1.42 है हमारे पास, m2 = w2 × rt / πv। तो w2 कितना है 1.26 ग्राम, गुणे r कितना है 0.083, इंटू टी कितना है 300 केल्विन, अपान पाई कितना है, और पाई का मान देखिए दिया गया है 2.57 × 10⁻³ इंटू वी, आयतन दिया गया है विलयन का 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 0.200 लीटर। तो ये रख दिया 0.200 लीटर, साल्व किया तो आ गया 61022 ग्राम प्रति मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि इस खंड के प्रारंभ में उल्लेखित परिघटनाओं को परासरण के आधार पर समझाया जा सकता है। अचार बनाने के लिए सांद लवणीय विलयन में रखा गया कच्चा आम परासरण के कारण जल का क्षरण कर देता है एवं संकुचित हो जाता है। जाहिर सी बात है कि बाहर ज्यादा सांद्र होगा विलयन, तो अंदर का विलायक बाहर निकल आएगा और संकुचित हो जाएंगे आम। मुरझाए पुष्प ताजा जल में रखने पर पुनः ताजे हो जाते हैं। वातावरण में जल ह्रास के कारण लचीली हो चुकी गाजर जल में रखकर पुनः उसी अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जब उसमें पानी में रख देंगे तो पानी अंदर चला जाएगा गाजर के, फिर से वैसे हो जाएगी। परासरण के कारण जल इसकी कोशिकाओं के अंदर चला जाता है, कोशिका के अंदर परासरण के कारण जल अंदर चला जाएगा तो कोशिका फूल जाएगी। यदि रुधिर कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन की तुलना में 0.9% है से कम लवण वाले जल में रखा जाए, तो परासरण के कारण जल के रुधिर कोशिकाओं में प्रवाह से ये फूल जाती हैं, जैसा हमने बताया।
जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते हैं वे ऊतक कोशिकाओं एवं अंतरकोशिक स्थानों में जल धारण महसूस करते हैं। ज्यादा अगर नमकीन खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि शरीर में नमक ज्यादा चला जाएगा, तो वो जो पेशाब द्वारा पानी निकलना था उसको खींच लेगा, क्योंकि ज्यादा सांद्र है तो विलायक पानी हमारा विलायक है तो उसके उसको खींच लेगा, जिससे उसके ऊतकों में पानी का भराव होगा। तो जाहिर सी बात है कि किसी के अगर किडनी में गुर्दे में पानी भर रहा है तो उसको नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली स्थूलता या सूजन को शोथ शोफ या इडिमा कहते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा नमक खाने वाले शरीर में ऊतकों में जो पानी का भराव हो जाता है तो शरीर में सूजन आ जाती है या उन अंगों में सूजन आ जाती है, इसको इडिमा कहते हैं या हिंदी में शोफ कहते हैं या सूजन। जल का मृदा से पौधों की जड़ों में और फिर पौधों के ऊपर के हिस्सों में पहुंचना आंशिक रूप से परासरण के कारण होता है। मांस में लवण मिलाकर संरक्षण एवं फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है। क्यों? क्योंकि जब उसमें नमक या शक्कर मिला करके शक्कर का जलाव बना दिया जाता है तो अगर बैक्टीरिया उसमें चला जाए तो बैक्टीरिया के अंदर का पूरा पानी वो खींच लेता है, क्योंकि बाहर सांद्र है तो उसके शरीर का पूरा पानी खींच करके जब पानी शरीर में रह ही नहीं जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाता है, तो इसीलिए बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है। परासरण के कारण नमक युक्त मांस एवं मिश्री में पागे गए फल पर स्थित बैक्टीरिया जल ह्रास के कारण संकुचित होकर मर जाते हैं, उनके शरीर का पानी खत्म हो जाता है और उस पानी की कमी के कारण वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।